हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे कि एक नल का जो है आप लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी कि जो आप वाटर कनेक्शन लेंगे इसके लिए जो है आप लोगों को कितना टैक्स देना होगा, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि क्या टैप के कनेक्शन हमारे बाथरूम तक पहुँचाए जाएंगे या नहीं पहुँचाए जाएंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस योजना का लाभ ले रहे लोगों को कितना शुल्क देना होगा, आज के इस वीडियो में जो है इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितने लोगों को नौकरी दी जा रही है, आज के इस वीडियो में जो है इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जल जीवन मिशन में जो योजना चल रही है इसका लाभ लेने के लिए, यानी कि इसका पानी पीने के लिए हमें कितना शुल्क देना होगा या फिर एक भी रुपये शुल्क नहीं देना होगा, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि क्या टैप के कनेक्शन हमारे बाथरूम तक पहुँचाए जाएंगे या फिर हमारे घरों के बाहर ही लटका दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जो इसके रख रखाव की जिम्मेदारी होगी इसके लिए सरकार कोई एम्प्लॉय देगी या फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ये बता देते हैं कि क्या टैप के कनेक्शन हमारे बाथरूम तक पहुंचाए जाएंगे कि नहीं पहुंचाए जाएंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत आपको वाटर कनेक्शन चाहिए तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे आप इसे अपने बाथरूम तक ले सकते हैं या फिर अपने आंगन में या फिर जहां आपको सूटेबल लगे वहां तक जो है आप लोग इस वाटर कनेक्शन को ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जो वाटर कनेक्शन यानी कि ये जो नल का टोटी लगेगा केवल आपके घर के बाहर ही लगा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वाटर कनेक्शन को यानी कि ये जो पानी का टोटी है इसे जो है आप लोग अपने आंगन में या अपने बाथरूम में भी इसका कनेक्शन लगवा सकते हैं। आइए नेक्स्ट चीज आप लोगों को बता देते हैं कि इस वाटर कनेक्शन के लिए आप लोगों को कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाटर कनेक्शन के लिए जो है आप सभी को ₹50 देना होगा, यानी कि प्रत्येक घर से जो है इस वाटर कनेक्शन का लाभ ले रहे व्यक्तियों से ₹50 वसूला जाएगा। इस चीज़ बता देते हैं कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है ये किसको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत से 13 लोगों की भर्ती कराई जा रही है, यानी कि फ्रेंड्स प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो है 13 लोगों को इसके रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए नौकरी दी जाएगी, जो कि इस प्रकार है। इसमें जो है 3 राजमिस्त्री का पद है, 2 प्लम्बर का पद है, 2 फिटर का पद है, 2 इलेक्ट्रीशियन का पद है, 2 पंप ऑपरेटर का पद है और 2 जो है मोटर मैकेनिक का पद है। और इस पानी की टंकी का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा और इसका जो सचिव होगा ये सेक्रेटरी होगा। आप लोगों को एक चीज ये भी बता दें कि प्रत्येक घर को एक ही कनेक्शन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के 5 बच्चे हैं तो उन सभी 5ों बच्चों को एक ही वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। अगर ये 5ों बच्चे अलग अलग हैं तो चाहे ये अलग अलग भी वाटर कनेक्शन ले सकते हैं, तो इसके लिए जो है किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के 5 बच्चे हैं, अगर 5ों जो है एक ही में है तो एक ही वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, अगर ये 5ों बच्चे अलग अलग हैं तो इन्हें जो है अलग अलग भी वाटर कनेक्शन दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है इन व्यक्तियों पर डिपेंड करेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को ये बता देते हैं कि रख रखाव कौन करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रख रखाव के लिए जो है एक समिति बनाई जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा VWSC और इसका फुल फॉर्म होता है विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी। और इस कमेटी को बनाने का नियम एवं प्रावधान कुछ इस तरह से है, इस कमेटी में ग्राम सभा के लोगों के द्वारा ही लोगों को लोकमान्वित किए जाएंगे। इस VWSC का जो मानक होगा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है 50% महिलाओं को रखा जाएगा,
तो जाहिर सी बात है कि इस कमेटी में 50% महिलाओं को रखा जाएगा और 25% SC समुदाय के लोगों को रखा जाएगा और 25% में जो है ग्राम सभा के कुछ और अन्य लोगों को इस कमेटी में रखा जाएगा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत। और देखिए फ्रेंड्स, इस कमेटी यानी कि VWSC में जो भी लोग रखे जाएंगे ये ग्राम सभा की बैठक के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। जो उचित व्यक्ति होंगे जिन पर लोग हाथ उठाकर अपने स्पष्टीकरण करेंगे वही लोग जो है इस समिति में रखे जाएंगे। और इस समिति को बनाए रखने का मतलब यही है कि जितने भी बिल चार्ज होंगे, जितने भी रख रखाव के काम होंगे और जो भी वसूली करना होगा और इसके साथ में कोई भी काम वगैरह, जैसे कि वाटर सप्लाई दिन में कितनी बार करनी है, दिन में 2 बार करना है या 3 बार करना है, एंट्रेंस के क्या क्या चार्जेज होंगे, मेंटेनेंस के लिए किसे किसे रखा जाएगा या कौन कौन काम करेगा, इन सभी की पूरी जिम्मेदारी जो है इस VWSC कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का जो है हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति को कितने रुपये देना पड़ेगा और ये जो टैप के कनेक्शन है ये आपके घरों में लगाए जाएंगे या घर के बाहर लगाए जाएंगे या बाथरूम में लगाए जाएंगे, इसके बारे में भी जो है हमने इस वीडियो में बता दिया। और इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी और इसमें जो है कितने व्यक्तियों को नौकरी दी जाएगी, इन्हें कहाँ से मानदेय प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमने इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखने के बाद सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।